मुख्य पार्टियां उन उन नेताओं का जो भाषाई स्तर है, जो शब्दों का स्तर है, वो बिल्कुल गिरा है। और आज राजनीति में इस प्रकार का मुझे लगता है एक हास्य प्रयास का विषय दोनों पार्टियों के नेता बने हुए हैं। और दूसरी ओर जो आपने बात की, रणदीप सुरजेवाला जी ने उनको एक्सीडेंटल सीएम बताया है, ये उनके जवाब में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको भाषाई इस तरह का जो तंज कसा था, उनके जवाब में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जो एक एक्सीडेंटल सीएम बताकर एक अपने जो भाषाई स्तर का जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में रोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो ये बड़ी आम सी बात है। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार ये जो नेता है ये दूसरे पार्टी के नेता पर आरोप लगाते समय अपनी जो भाषा शैली है उसको मर्यादित रखने में भूल जाते हैं कि उन्हें किस मर्यादा में बात करनी है। कई बार वो अपनी मर्यादा को लांघ जाते हैं और ऐसी बातें कर जाते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हास्य का विषय बन जाती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं वो जो ये नेता हैं ये अपनी इमेज भी खराब कर बैठते हैं। क्या इन नेताओं का इस तरह से भद्दी और गलत जो टिप्पणियां करना है या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, क्या ये बेहतर है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना नेताओं के लिए बेहतर है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, अक्सर देखा गया कि राजनीति में जो नेता लोग हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और आज की डेट में मैंने देखा है कि नेता लोग जो है वो इतनी भद्दी टिप्पणी कर जाते हैं कि कई बार अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर जातिगत टिप्पणी की। दूसरी ओर अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, उन्होंने उसके जवाब में उसको एक्सीडेंटल सीएम कह दिया। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या उचित है? देखिए राजेंद्र जी, राजनेताओं की हम बात करें तो आज जो जो राजनीतिक जो लोगों का जो भाषाई स्तर था वो कहीं ना कहीं गिरा है, और जो भाषा आम समाज में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भाषा और शब्द, उन शब्दों का राजनेता प्रयोग करने लगे हैं, ये राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपस की एक इंडिविजुअल ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में इंडिविजुअल किसी पे टिक्का टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जातिगत टिक्का टिप्पणी से बिल्कुल बचना चाहिए। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर एक जातिगत जो टिप्पणी की है, उन्होंने उनको कहा एक जाति का विशेष नाम लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल भी राजनीति में क्या आम समाज में भी एक्सेप्टेबल हम नहीं मान सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बड़े नेता हैं जी, और अपनी पार्टी के भी नेता हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। बड़ा एक आइडियल उनको माना जाता है, सभी लोग उनकी जो भाषा पे और उनके शब्दों पे जो एक लेवल होगा उस लेवल को छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं, और जो उनके और जो आम जनता है वो भी उसी तरह से उनको फॉलो करती है जी। जबकि जब पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री लेवल के जो नेता हैं, वो भी अगर भाषा इस तरह का नीचे स्तरीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में भी एक ठीक मैसेज नहीं जाता, और कहीं ना कहीं इससे हम सभी को बचना चाहिए। हालांकि मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन दोनों जो मुख्य पार्टियां उन नेताओं का जो भाषाई स्तर है, जो शब्दों का स्तर है, वो बिल्कुल गिरा है। और आज राजनीति में इस प्रकार का मुझे लगता है एक हास्य प्रयास का विषय दोनों पार्टियों के नेता बने हुए हैं। दूसरी ओर जो आपने बात की, रणदीप सुरजेवाला जी ने उनको एक्सीडेंटल सीएम बताया है, ये उनके जवाब में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको भाषाई इस तरह का जो तंज कसा था, उनके जवाब में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जो एक एक्सीडेंटल सीएम बताकर एक अपने जो भाषाई स्तर का जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है जी। क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं जो इत्तेफाकन बनते हैं,
इत्तेफाक से जिनको बनाया जाता है या स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनका वो सीएम या कोई किसी न किसी पार्टी के लीडर की लीडरशिप की जगह पर लीडर के पद पर वो स्थान पर जब भी कोई ओहदा किसी को मिलता है तो तो इस्तीफाकन जिसको मिल जाता है उसको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या एक्सीडेंटल सीएम या एक्सीडेंटल मिनिस्टर उनको कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है नायब सिंह सैनी एक्सीडेंटल प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही उनको नाम घोषित कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़े गए हैं निश्चित रूप से। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हरियाणा में चुनाव लड़ा गया है और उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर ही भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट पर विजय प्राप्त की है। और जो जिस पार्टी के नेता एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को किसी नेता को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर देते हैं तो और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, निश्चित रूप से सरकार बनती है, तो उनको मुझे लगता है एक्सीडेंटल जो सीएम नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंटल सीएम आप कह सकते हैं राजस्थान के सीएम जो बाद में चुनाव के बाद बनाए गए थे भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनको बनाया गया था, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उनको हम एक्सीडेंटल सीएम कह सकते हैं क्योंकि उनका जो एक उनको डिक्लेयर नहीं किया गया था चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ही उनको डिक्लेयर किया गया था। लेकिन यहाँ तो हरियाणा में तो नायब सिंह सैनी को एक जी उनके चेहरे पर चुनाव लड़े गए, चुनाव से पहले डिक्लेयर किया गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और निश्चित रूप से एक अच्छी जो विजय उन्होंने उनके नेतृत्व में पाई है, तो इसलिए मुझे लगता है एक्सीडेंटल सीएम उनको नहीं कहा जा सकता। जी अगर मैं बात करूं सीएम नायब सिंह सैनी की, सुरजेवाला पर तंज कसना, ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सुरजेवाला को ज्यादा मजबूत मान रहे हैं इसलिए उन पर तंज कस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और वो चुनाव कांग्रेस पार्टी को नहीं जीता पाए, सरकार नहीं बनवा पाए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाईकमान है उनको लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करके और नई लीडरशिप को मौका दिया जाए। और उसमें आपने देखा भी है, आप हमारे जो खबरें आजकल आ रही हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई है उसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम है, कुमारी शैलजा का नाम है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं है। हालांकि जब भी और स्टेट के चुनाव होते थे दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया कांग्रेस हाईकमान द्वारा और सिर्फ दो ही जो हुड्डा के अपोजिट गुट के उनको जो माना जाता है रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को ही स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको इग्नोर करेगी और सुरजेवाला या कुमारी शैलजा को आगे लेकर आने की उनकी कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी। इसलिए कुमारी शैलजा के बारे में तो अभी चुप है लेकिन रणदीप सुरजेवाला को टारगेट करना मुझे लगता है इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जी जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा है इनको मजबूत करने में, इनको पावरफुल करने में लगी हुई है, भी इनको पावरफुल शो करिए, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर किया जा रहा है। अगर स्टार प्रचारक की बात करें, महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, तो अभी 8 नवंबर से जो हरियाणा का विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष जो है उसके रूप में उनको इग्नोर किया जा सकता है? अगर इग्नोर किया जा सकता है तो फिर उनकी जगह कौन नेता है जो ले सकता है? देखिए जो 40 स्टार प्रचारकों को ये जो लिस्ट अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम न होना, दीपेंद्र हुड्डा का नाम न होना, एक उससे कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना है, बनाया जाना है कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 नवंबर से विधानसभा का हरियाणा विधानसभा का सेशन भी है और उस सेशन से पहले कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष का नेता भी बनाएगी, तो इसमें से ऐसे संकेत मिलते हैं, सब लग रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करेगी उनकी कांग्रेस पार्टी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करती है
तो अगर उड्डा गुट का अगर कोई कोई सीएलपी बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उड्डा महिला का और जो आरक्षित कोटे से जो आती हैं एमएलए उनका नाम ले सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है गीता भुक्कल का नाम हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे रणदीप सुरजेवाला और शैलजा गुट की बात करेंगे, अगर उनका कहीं ना कहीं इसमें दाव लगता है तो वो अपने जो पक्ष के नेता हैं एमएलए हैं विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का नेता प्रतिपक्ष के लिए काम करेंगे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला स्वयं विधायक नहीं है, उनके बेटे विधायक आदित्य सुरजेवाला वो तो मुझे लगता है आपकी बार नए नए चुनकर आए हैं और बहुत कम उम्र के बहुत कम उम्र के हैं, तो उनको तो कहीं चांस देना मुझे लगता है नजदीक भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर चंद्रमोहन है, चंद्रमोहन को शैलजा कुमारी शैलजा गुट का एक विधायक माना जाता है, अगर कुमारी शैलजा के समर्थन से अगर कोई नेता प्रतिपक्ष का अगर चुनाव होता है या कांग्रेस हाईकमान उनको तरफ उनकी कहीं कहीं बात मानेगी तो चंद्रमोहन का नाम कुमारी शैलजा ले सकती है। जी जी, अगर आप बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप से कोई आता है तो गीता भुक्कल हो सकती है, और दूसरी ओर अगर गीता भुक्कल के साथ साथ अशोक अरोड़ा भी हो सकते हैं, अशोक अरोड़ा क्योंकि वो एक जो पंजाबी समुदाय से आते हैं जी जी जी, और नॉन जाट भी उनको कह सकते हैं, और कहीं कहीं जो एक नॉन जाट के समर्थन का की बात है उनको कहीं कहीं मिलने में उनको एक वो लाभ मिल सकता है। दूसरी अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, कुमारी शैलजा ग्रुप की बात करें, तो उस ग्रुप से अगर बात करते तो कहीं ना कहीं चंद्रमोहन का नाम जो है वो आगे आ सकता है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, अगर कांग्रेस पार्टी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करती है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। चंद्रमोहन का नाम लेकर, चंद्रमोहन को सीएलपी लीडर बनाकर कांग्रेस को दो तरह से फायदा हो सकता है, क्योंकि एक तो चौधरी भजनलाल का जो जो कैडर वोट रहा है जी। चौधरी भजनलाल लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब चौधरी भजनलाल सीएम थे तो चंद्रमोहन की एक अच्छी पावर रखते थे और उनकी अपनी टीम भी है, आज भी उनकी टीम हरियाणा में है, हर कंस्टिट्यूंसी में हर जिला में उनका कहीं ना कहीं प्रभाव है, उनसे लोग जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से जो चौधरी भजनलाल का कैडर वोट है वो कहीं कहीं चंद्रमोहन के साथ हो सकता है, और नॉन जाट की राजनीति भी वो करते थे, मैं कहना इससे गुरेज नहीं कर सकता नहीं करूंगा, क्योंकि नॉन जाट की राजनीति चौधरी भजनलाल करते थे, उसी पैटर्न पे अगर कहीं कहीं उनको चंद्रमोहन को बनाकर वो फायदा लिया जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है इसमें पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि चौधरी भजनलाल का जो उत्तराधिकारी मानते हैं वो कुलदीप बिश्नोई मानते थे, और उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था बल्कि उनके बेटे को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़वाया और वो हार गए, अभी विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मुझे लगता है अब कांग्रेस पार्टी चंद्रमोहन को कहीं कहीं आगे बढ़ाकर चौधरी भजनलाल के वारिस के रूप में आगे उनको प्रस्तुत कर सकती है, पेश कर सकती है, और उससे कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को लाभ भी होगा। सो दोस्तों, अगर बात करें राजनीतिक लोगों की, नेताओं की बात करें, तो आज जो हमारा मुद्दा रहा शुरू में, पहला जो सवाल रहा वो ये रहा है हमारा कि क्या नेताओं को भद्दी भाषा, इस तरह के रोप प्रत्यारोप की अगर बात करें लगाते हुए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके क्या विचार है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें डीएम करें और हमें बताएं कि क्या नेताओं को अपनी भाषा पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहिए। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।